तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाह तो रुला के गया इश्क। Hey guys, I'm Sepetics and welcome back to my channel. तो guys कैसे हो सारे? I hope हम सारे तरह बढ़िया हो। guys जैसा कि आपने शुरू में वीडियो मैंने जो प्ले किया था, आपने वीडियो को इस तरह से देखा था, तो उस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा या आपको यहाँ पर भी शो करता हूँ, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और आपको एक वीडियो प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और आपको सिंपली चलना है काइनमास्टर पर, काइनमास्टर पर जाने के बाद वीडियो एडिटिंग को स्टार्ट करना है। चलते हैं काइनमास्टर पर। गाइस इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, गाइस मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कनेक्ट ओपन करने के बाद चलना है यहाँ से प्लस वाले आइकन पर और यहाँ से 9 और 16 का स्पीड रेशियो लेना है। स्पीड रेशियो लेने के बाद यहाँ से चलना है मीडिया में और यहाँ से एक ब्लैक कोई भी बैकग्राउंड लेकर आ जाना है। मैं सिंपली येलो कलर का लेकर के आ जाता हूँ। गाइस ये बैकग्राउंड ओपन हो चुकी है। सिंपली इसका साइज बड़ा कर देना है, लगभग 15 से 16 सेकंड कर देना है। ओके गाइस उसके बाद आपको एक फोटोज वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलना लेयर में और यहाँ से मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद नॉइज़ को इग्नोर कर, गाइस मीडियम जाने के बाद यहाँ से चलना है अपने उस जो उस वीडियो को डाउनलोड किया होगा उस वीडियो को लेकर के आना। तो गाइस यहाँ सिंपली मैं लेकर के आ जाता हूँ। तो वीडियो यहाँ पर से देख सकते हैं आप, यहाँ पर वो वीडियो आ चुकी है। गाइस सिंपली चलना है यहाँ से स्क्रीन पर और यहाँ से इसका साइज, यहाँ चलना है स्क्रीन पर साइज इसका फुल कर देना। ओके गाइस ये सिंपली यहाँ से डन कर देना है और यहाँ पर आप देखना है कि जहाँ तक ये वीडियो है वहाँ तक इस बैकग्राउंड को बराबर काट देना है। ओके गाइस ये चीज़ यहाँ से ट्रिम टू राइट अपलेट कर देना है। ओके गाइस उसके बाद सिंपली इस वीडियो पर टाइप करना है और यहाँ से चलना है क्रोमा की के ऑप्शन पर और यहाँ से इनेबल कर देना है। और की कलर यहाँ से ध्यान रहे गाइस, सिंपली आपको यहाँ से हरा चूज कर लेना है और इस तरीके से इसे मैच कर देना है। गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस इस तरीके से अपने हिसाब से इसे मैच कर देना है। सो गाइज यहाँ पर लगभग मैच हो चुका है गाइज, अपने हिसाब से अपने से आप कर सकते हैं। ओके ये मैच हो चुकी है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से चलना है लेयर वाले आइकन पर और यहाँ से मीडिया पर आप किसी भी फोटो या वीडियो यहाँ पर लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से लेकर के सिंपली आ जाना। तो मैं सिंपली एक अपना फोटो लगाना चाहता हूँ, मैं फोटो यहाँ पर से लेकर के आ जाता हूँ गाइज। तो गाइज मैं यहाँ पर से किसी भी तरह का फोटो लेना चाहता हूँ, मैं सिंपली मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। गाइज यहाँ पर फोटो लेने के बाद इस तरीके से इसको रोटेट करना है और यहाँ पर लेकर के आना है और यहाँ से सिंपली सेंड टू बैक कर देना है। ओके गाइज 3 डॉट में जाने के बाद उसके बाद इस साइज को फोटो का साइज को पूरा बराबर कर देना है और यहाँ से फोटो पर टाइप करना है और इस तरीके से यहाँ पर देख लेना है कि मैच हुआ या नहीं। ओके गाइज इस तरीके से कर देना है और ये वीडियो आपका बन के रेडी हो चुका है। गाइज देख सकते हैं यहाँ पर से गाइज यहाँ पर अच्छे से मैच नहीं हुआ, तो इस फोटो पर टाइप करके फ़ोटो को एकदम बड़ा कर देना। ओके गाइज सिंपली इस तरीके से करने के बाद आप किसी का भी फोटो लगा सकते हैं, अपना फोटो या यहाँ पर कुछ नेम वगैरह कुछ लिख सकते हैं। ओके गाइज ये चीज़ हो चुकी है। आप सिंपली यहाँ से जाना है गियर वाले आइकन पर और यहाँ से ऑडियो फेड आउट को बंद कर देना है, क्योंकि गाइज इस वीडियो में आपको पहले से ही साउंड मिलेगी। ओके गाइज ये चीज़ हो चुकी है। आप सिंपली यहाँ से शेयर वाले आइकन पर टाइप करना है और यहाँ से 720p और 30 का फ्रेम रेट लेते हुए वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करना। तो गाइज जय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।